हेलो दोस्तों, मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टेक आर्यन पे। दोस्तों तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि टेक्नो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है अपना कैमोन 30 सीरीज, तो मेरे पास आ चुका है ये कैमोन 35 जी। बात करेंगे इस फोन के बारे में और जानेंगे इस फोन में क्या स्पेसिफिकेशंस मिलता है आप सभी को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों ये है टेक्नो कैमोन 35G का बॉक्स। दोस्तों फर्स्ट लुक में बोलूं तो ये जो है ना कैमोन स्टैंड फॉर कैमरा, तो यहां पर आपको कैमरा मास्टर लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है इस बॉक्स में आपको। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट मेंशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 16GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के बारे में। दोस्तों ये बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ अभी, हालांकि मैंने इसे पहले ही ओपन किया था बट मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेक्शन में ये आपको देखने को मिलता है टेक्नो, एंड अगर मैं अंदर में देखूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक आपका टेम्पर्ड ग्लास जो काफी प्रीमियम क्वालिटी का आपको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम पे भी टेक्नो अपने हर फोन में ग्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि बहुत सारे ब्रांड्स तो ऐसे हैं कि अपने फोन से चार्जर भी हटा ले रहे हैं, बट और एक आपको यहाँ पर वारंटी कार्ड देखने को मिलता है जो है 12 मंथ वारंटी का। साथ ही साथ यहाँ पर यूजर मैनुअल है, इसको साइड कर देते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम कवर एक देखने को मिलता है कैमोन 35G का। चलिए इसको साइड करते हैं, बात करते हैं फोन के बारे में। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों ये है फोन, जो मेरे पास ये व्हाइट कलर में अवेलेबल है। मैं इसको साइड करता हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ बॉक्स में आपको और क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है बॉक्स में आपको एक 30W का चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जर इसमें मिलते हैं, अप टू 70W का चार्जर इसमें देखने को मिलता है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें आपको 33W का चार्जर मिलेगा, बट अगर आप 512GB का वेरिएंट आप चूज करते हो तो उसमें आपको 70W का चार्जर इन बॉक्स मिलेगा देखने को। और यहाँ पर एक A2C केबल आपको देखने को मिलता है जो काफी तेजी से आपके फोन को चार्ज करने में हेल्प करेगा। चलिए बॉक्स को साइड करते हैं, बात करते हैं फोन के बारे में। तो दोस्तों मेरे पास है ये कैमोन 35G, और दोस्तों अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव डिज़ाइन ये लगा और इतना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन ये लग रहा है। मतलब दोस्तों आप देखते ही आपको फर्स्ट लुक में ये फोन पसंद आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैमरा बम्प है ये भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी फोन में ये ब्लिंकिंग लाइट देखा है, इंडिकेटर जो आपको ड्यूरिंग चार्जिंग ड्यूरिंग कॉल ये आपको नोटिफाई करेगा कि आपका फोन आ रहा है या फिर आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों इस फोन को बूट करते हैं चलिए और आगे बात करेंगे फोन के बारे में। फोन को मैंने बूट कर लिया है, चलिए बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो ये बैक साइड है, बैक पैनल तो सबसे अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है ये व्हाइट कलर में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैमरा सेक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये ट्रिपल कैमरा सेक्शन आपको देखने को मिलता है रियर में। एक ब्रीदिंग लाइट देखने को मिलता है, और यहाँ पर डुअल LED फ्लैश आपको देखने को मिलता है। और जो ये बम्प है कैमरा बैंक बम्प, ये प्योर मेटल का बना हुआ है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, साथ ही साथ यहाँ पर पावर बटन आपको देखने को मिलेगा। नीचे और बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, माइक मिलेगा और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर सिम ट्रे रखने का जो जगह है वो आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की और भी एक स्पीकर है, मतलब इस फोन में आपको डुअल स्पीकर का फैसिलिटीज मिल रहा है। और यहाँ पर आपको एक मेंशन है डॉल्बी साउंड, तो इस फोन में आपको डॉल्बी इनबिल्ट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक IR ब्लास्टर दिया हुआ है जिससे आप अपने TV, फ्रिज, AC कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं फोन के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है कैमोन 30 का डिस्प्ले। आप अगर देखोगे कैमोन 20 प्रो से, तो कैमोन 20 प्रो से जो बेजल्स हैं वो काफी कम यहां पर देखने को मिलता है। प्लस यहां पर 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। साथ ही साथ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 120Hz का रिफ्रेश रेट दोस्तों इस फोन में। और दोस्तों मैं अगर टच की बात करूं तो इस फोन में जो टच एक्सपीरियंस मुझे अभी प्रोवाइड हो रहा है वो काफी अमेजिंग है दोस्तों, मानना पड़ेगा टेक्नो ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार। और दोस्तों यहां पर आपको एंड्रॉइड 14 भी देखने को मिल रहा है इन द बॉक्स। अगर आप देखो तो यहां पर एंड्रॉइड 14 भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो आपको बॉक्स में ही एंड्रॉइड 14 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टेक्नो क्लेम करता है इसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे एंड्रॉइड 16 तक, और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट तो दे ही रहा है टेक्नो। तो चलिए
दोस्तों डिस्प्ले तो काफी अमेजिंग है, साथ ही साथ अमेजिंग है इसका कैमरा और कैमॉन जाना जाता है कैमरा के लिए। तो बात करते हैं इस कैमरा के बारे में क्योंकि कैमरा ही इसका मेजर हाईलाइट है दोस्तों। तो बात करते हैं रियर कैमरा के बारे में। आप रियर कैमरा देख रहे हो दोस्तों, रियर कैमरा काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल रहा है इसमें। तो रियर कैमरा है यहां पर 100 मेगापिक्सल। दोस्तों ये इंडिया का फर्स्ट फोन है जिसमें आपको 100 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस रियर कैमरा में आपको EIS और OIS दोनों सपोर्ट मिलता है और साथ में साथ यहां पर देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर और एक तीसरा ये सेंसर नहीं है दोस्तों, तीसरा ये कैमरा नहीं है दोस्तों, ये एक सेंसर है जो फ्लिकर को कंट्रोल करता है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपके फोन में जो फ्लिकर होता है तो उसको कंट्रोल करता है, तो इसे फ्लिकर सेंसर बोलते हैं। दोस्तों फ्रंट कैमरा की मैं अगर बात करूं तो ये जो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल के साथ आता है दोस्तों। और इस 50 मेगापिक्सल के साथ आप आई ऑटो फोकस भी साथ ही में इसमें आपको मिलेगा, मतलब जो सेल्फीज हैं वो काफी अमेजिंग तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो इस कैमोन 35G के साथ। और दोस्तों मैं एक अमेजिंग बात बताऊं, इस फोन से आप नाइट में भी बहुत अच्छे शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। मैं कुछ कैमरा सैंपल एंड कुछ वीडियो सैंपल इस वीडियो में डालने वाला हूं, तो आप प्लीज जाके चेकआउट करिए कि कैमरा सैंपल और वीडियो सैंपल्स आपको कैसे लगे। तो ये थे कुछ कैमरा सैंपल्स दोस्तों, आई होप आपको कैमरा सैंपल्स अच्छे लगे होंगे। आप बताइए कि कैमरा सैंपल्स ये कैमोन 35G का कैसा है, क्या ये फोटोग्राफ्स इसको जस्टिफाई करते हैं इस मॉडल को कैमरा मास्टर होने पे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कैमरा सैंपल्स आपको कैसे लगे। तो चलिए बात करते हैं अब फोन के रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों इस कैमोन 30 में आपको देखने को मिलता है 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इसका और एक वेरिएंट आता है जिसमें आपको मिलता है 12GB रैम एंड 512GB का इंटरनल स्टोरेज दोस्तों। और ये स्टोरेज वाइज बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आप 512GB का वेरिएंट परचेस करते हो तो उसके साथ आपको 70W का चार्जर मिलेगा देखने को, और अगर आप 8 256GB वाला वेरिएंट अगर आप चूज करते हो तो उसमें आपको 33W का चार्जर देखने को मिलेगा। पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि दोनों ही वेरिएंट में आपको 70W का चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका रैम, बट इस रैम को प्रोवाइड करता है पावर डायमेंसिटी 7020। हाँ दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7020 इस फोन को पावर प्रोवाइड करता है। आई थिंक ये जो प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट में काफी फिट बैठता है क्योंकि ये जो इस ये फोन जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये फोन इस प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर मैं 8 256GB वेरिएंट की बात करूं तो उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 23,000 रुपए, और अगर मैं 512GB का इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो उसका आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा 27,000 रुपए। तो दोस्तों आई थिंक ये फोन एक मिड रेंज सेगमेंट फोन है और काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन लाता है इसी रेंज में। दोस्तों मैं कुछ आपको यूनिक फीचर्स में बताने जा रहा हूं इस फोन के बारे में, और इस फोन में आपको AI देखने को मिलता है, तो चलिए कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक यूनिक फीचर्स के बारे में बात करता हूं मैं। यहां पर मैं गैलरी में गया, यहां पर आप मल्टीपल फोटोज देख रहे हो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस मल्टीपल फोटोज को आप एक साथ सेंड कर सकते हो, पर बाय द वे उसी टाइम आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो आप इसको टैग करके यहां पर रख सकते हो। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये आप अपना काम सारा कंप्लीट करने के बाद इस फोटो को चाहे तो आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पर भी भेजना हो आप इस फोटो को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर दूसरा फीचर के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, तो यह है प्राइवेसी अनलॉक। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप अपना फोन घर पे भूल जाते हो और आपके पीठ पीछे बच्चे या फिर कोई कोई आपके फोन को टच करने की कोशिश करते हैं या फिर खोलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सपोज अगर मैं यहां पर लॉक पैटर्न डाला हूं और मैं अगर 2-3 बार ये रॉन्ग पैटर्न प्ले करता हूं या फिर रॉन्ग पिन यहां पर प्ले कर रहा हूं मैं, तो ये मेरा एक फोटो कैप्चर करके रख लेगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जब मैं घर पे नहीं था या फिर मेरा फोन कहीं पर रखा हुआ है तो किसने मेरा फोन को टच करने की कोशिश की। तो यहां पर देखिए दोस्तों मेरा एक फोटो यहां पर आ गया, तो ये प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा चीज है। प्लस
यहाँ पर एक फीचर, चलिए सेटिंग पे चलते हैं और एक यूनिक फीचर के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेटिंग में आप पासवर्ड एंड प्राइवेसी में अगर आते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है मोबाइल एंटी थेप्ट, जिससे क्या हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए आपका फोन कभी चोरी हो गया, बाय द वे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, अगर कोई चोर आपका फोन चोरी करता है तो सबसे पहले काम क्या करेगा, वो आपके फोन को ऑफ करना। तो दोस्तों ये फोन तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक वो सही पिन एंटर ना करे या फिर सही पैटर्न एंटर ना करे, साथ ही साथ उस चोर का एक फोटो, ब्यूटीफुल सा फोटो कैप्चर हो जाएगा इस फोन पे और आप अपने फोन को फाइंड माई डिवाइस के साथ फाइंड भी कर सकते हो। तो ये काफी यूनिक फीचर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, आपने बहुत सारे फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्ड किया होगा जिसमें आपको सुनाई मिल जाता है ये चीज, योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। तो दोस्तों इस फोन में एक बहुत अच्छा खासियत है सोशल टर्बो के थ्रू, जहां पर आप अपना कॉल साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों यही नहीं, आप अपना व्हाट्सएप के जितने भी डिलीटेड मैसेज है वो भी आप यहाँ पर पीक मोड पे देख पाओगे दोस्तों। और दोस्तों एक यहाँ पर बहुत अच्छा फीचर आपको एआई बेस्ड मिल रहा है, जैसे कि आपका स्मार्ट पैनल, इसमें दोस्तों क्या होगा, आप कोई भी इमेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस पैनल के द्वारा। आपको क्या करना है, दोनों फिंगर को यहाँ पर टैप करना है, अब ये फोटो को स्कैन करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसने फोटो को स्कैन किया। अब ये फुल टेक्स्ट जितना भी था उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो मल्टीपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये काफी अच्छा फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं फीचर की बात करूं तो इतना भरपूर फीचर इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप अपना ग्रामर करेक्शन कर सकते हो, साथ ही साथ यहां पर आपको चैट जीपीटी इनबिल्ट एक एआई असिस्टेंट आपको देखने को मिलती है, जिससे आप अपना कोई भी लेटर या फिर कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवा सकते हो। दोस्तों इस फोन में भरपूर फीचर आपको देखने को मिल रहा है और ये फोन लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और इसका जो फर्स्ट सेल है वो आपका 23 से स्टार्ट है इस मे मंथ में। तो दोस्तों ये था, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर कैमोन 30 के। और दोस्तों मैं मस्ट रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों कि आप ये फोन को यूज करें, अगर आपको एक बेटर कैमरा फोन चाहिए एंड बेटर स्पेसिफिकेशंस वाइज फोन चाहिए तो ये फोन आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। साथ ही साथ इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा स्पेसिफिकेशंस, ऐसा कैमरा मेरे हिसाब से कोई फोन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और दोस्तों इस फोन का सबसे अच्छा फीचर यही है कि ये एक बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के टेक अपडेट के लिए टेक आर्यन से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।